दोस्तों 2020 में जब COVID-19 वायरस आया था तो उस समय ये दावा खूब किया गया था कि ये बायोलॉजिकल वायरस है जिसे लैब में तैयार किया गया है। इसको बनाने के काफी सारे आरोप चाइना पर लग भी चुके हैं। अब इसी प्रकार के वायरस का उपयोग रूस यूक्रेन के युद्ध में भी किया जा सकता है। अमेरिका और रूस दोनों एक दूसरे पर रासायनिक हथियारों को काम में लेने का आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों अब तक आपने परमाणु हथियारों के बारे में तो खूब सुना ही होगा, लेकिन आज मैं आपको ऐसे केमिकल और बायोलॉजिकल हथियारों के बारे में भी बताऊंगा जो बिना कोई धमाका किए ही धरती पर भारी तबाही मचा सकते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक है केमिकल वेपन्स रासायनिक हथियार और दूसरा है बायोलॉजिकल वेपन्स यानी जैविक हथियार। पहले रासायनिक हथियारों के बारे में जान लेते हैं। जब किसी जहरीले रसायन यानी केमिकल को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो उसे रासायनिक हथियार कहते हैं। इसमें जहरीली गैसें एवं कई प्रकार के विषैले और रासायनिक तत्व शामिल होते हैं। रासायनिक हमले की सबसे खतरनाक बात यह है कि इससे लोग घुट घुट कर मरते हैं और ये हमला कब हो गया आपको पता भी नहीं चलता। जब तक किसी को पता चलता है कि रासायनिक हमला हुआ है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और हजारों लाखों लोग मौत के मुंह में समा चुके होते हैं। इसके थोड़े बहुत असर से ही शरीर में कई प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं और आदमी तड़प तड़प करके मर जाता है। अब इनके भी कई प्रकार होते हैं। कुछ रासायनिक हथियार ऐसे होते हैं जिनमें इंसान का दम घोटने वाली रासायनिक गैस जैसे कि फोजजीन होती है। ये इंसान के फेफड़े और श्वास लेने के तंत्र पर हमला करती है जिससे पीड़ित व्यक्ति की सांस न ले पाने की वजह से मौत हो सकती है। कुछ रासायनिक हथियारों जैसे मस्टर्ड गैस लोगों की त्वचा को जलाकर उन्हें अंधा कर देती है। इसके अलावा और भी काफी सारे रासायनिक खतरनाक होते हैं, जिनमें पहले नंबर पर आता है नर्व गैस और नर्व एजेंट VX। नर्व गैस दुनिया के सबसे घातक एवं जहरीले हथियारों में से एक है। इसके संपर्क में आने से लोगों का नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। नर्व गैस में इस्तेमाल होने वाले रसायन टबुन सरिन और सोमन को जर्मनी द्वारा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तैयार किया गया था। हालांकि उस समय जर्मनी द्वारा इनका इस्तेमाल नहीं किया गया। इस गैस से मनुष्य की मौत होने का सबसे बड़ा कारण है पैरालिसिस। इसके कारण इंसान का हार्ट है जो कमजोर पड़ जाता है और श्वास लेने की जो मांसपेशियां होती हैं वो भी इससे प्रभावित होने लगती हैं। यह रंगहीन होने के साथ साथ गंधहीन भी होता है, यानी न इसमें कोई स्वाद होता है न ही इसका कोई रंग होता है। यह त्वचा के अंदर जाकर तंत्रिकाओं के जरिए संदेश भेजे जाने को रोक देता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि इन रसायनों का एक ड्रॉप भी किसी व्यक्ति के खून में मिला दिया जाए तो उसके नर्वस सिस्टम को लकवा मार जाता है। यानी अगर किसी के शरीर पर इसके 10 मिलीग्राम भी डाल दिए जाएं तो यह उसके शरीर के अंदर घुस जाएगा और उसके बाद सांस न ले पाने की वजह से कुछ सेकंड्स में ही उसकी मौत हो जाती है। कई एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि नोविचोक VX नर्व एजेंट की तुलना में 5 से 8 गुना अधिक घातक है और इसका प्रभाव भी बहुत तेजी से होता है, मतलब 30 सेकंड से 2 मिनट में पूरे शरीर में ये फैल जाता है। VX नर्व एजेंट को अमेरिका और रूस मतलब उस समय का सोवियत यूनियन द्वारा शीत युद्ध के समय भारी मात्रा में तैयार किया गया था। हालांकि 1993 में हुए केमिकल वेपन्स कन्वेंशन में रासायनिक हथियारों को विकसित और उपयोग करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इस नर्वे गैस को भी CWC की लिस्ट में बैन किया गया है। दोस्तों CWC का मतलब होता है केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। इसके अंतर्गत ऐसे रसायनों की उपलब्धता को कम करने का प्रयास किया जाता है जिसके उपयोग से भारी तादाद में विनाश हो सकता है। दूसरे नंबर पर आता है सारिन लिक्विड और गैस। जर्मन के वैज्ञानिकों द्वारा 1938 में सारिन नामक रासायनिक हथियार को तैयार किया गया। इसे हानिकारक कीटों को मारने के लिए एक कीटनाशक के रूप में तैयार किया गया था, परंतु वर्तमान समय में यह एक सबसे खतरनाक नर्व गैस मानी जाती है। बिल्कुल नर्व एजेंट VX की तरह ही सरिन भी व्यक्ति के तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है। इसकी एक बूंद भी अगर किसी पर पड़ जाए तो उसकी मौत हो जाती है। 1995 में जापान के टोक्यो में एक सबवे के अंदर सरिन की गैस से हमला किया गया था जिसमें लगभग 13 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 6000 लोग घायल और बीमार हो गए थे। दरअसल एक व्यक्ति ने इस गैस से भरा हुआ एक बैग सबवे के अंदर फाड़ दिया था जिससे लोग इसके गैस के संपर्क में आ गए। वैसे यह गैस लिक्विड फॉर्म में गंधहीन और रंगहीन होती है और वाष्पशील होने के कारण यह आसानी से गैस में परिवर्तित भी हो जाती है। तीसरे नंबर पर आता है ताबुन।
1936 में श्रेडर द्वारा ताबून की खोज की गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान नॉर्मल बमों से ही रासायनिक तत्वों को भरकर इस्तेमाल करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन उस वक्त इन बमों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। जब यह लिक्विड फॉर्म में होती है तो यह फल जैसी खुशबू देती है और प्रभाव और लक्षण में यह लगभग सारिन के जैसा ही होता है। फोर्थ नंबर पर आती है मस्टर्ड गैस। इसके प्रभाव में आने वाले इंसानों की सबसे पहले त्वचा लाल हो जाती है, पूरे शरीर पर फफोले निकल जाते हैं और पूरी त्वचा छिलके की तरह उतरने लगती है, और यदि इसका जहर पूरे फेफड़ों तक पहुंच जाता है तो इंसान की मौत भी हो जाती है। रासायनिक हथियारों के रूप में प्रयुक्त दूसरी गैसों की तरह ही इसे बहुत अधिक घातक हथियारों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। इसके संपर्क में आने के 24 घंटे बाद इसका प्रभाव हमारे शरीर में नजर आता है। इसका भी इस्तेमाल फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान किया गया था। इस गैस की वजह से इंसान अंधा भी हो सकता है। वैसे इस गैस से होने वाली मौतों का अनुपात थोड़ा कम है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी जितने लोगों पर मस्टर्ड गैस का हमला किया गया था उनमें से सिर्फ 5% लोगों की ही मौत हुई थी। फिफ्थ नंबर पर है फॉस्जेन। फॉस्जेन को सबसे घातक रासायनिक हथियारों में शामिल किया जाता है। जैसे ही कोई शख्स इस गैस के संपर्क में आता है उसकी सांस फूलने लगती है और फिर अंदर कफ बनने लगता है और नाक भी बहने लगती है। वैसे इस गैस का इस्तेमाल प्लास्टिक और कुछ तरह के कीटनाशक बनाने में भी किया जाता है। यह ज्यादा नुकसान तो नहीं करती, लेकिन लिमिट से ज्यादा शरीर में चली जाए तो फिर इंसान की मौत हो जाती है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी ने ब्रिटिश सेना पर करीब 88 टन फॉस्जेन का इस्तेमाल किया था, जिसमें लगभग 120 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 1000 से ज्यादा लोग पूरी तरह से घायल हो गए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितने भी लोगों की रासायनिक हथियारों से मौत हुई थी उनमें से 80% उनके मरने का कारण केवल फॉस्जेन गैस ही थी। सिक्स्थ नंबर पर है क्लोरीन। आमतौर पर क्लोरीन का इस्तेमाल हम घर की सफाई करने में, कीटनाशकों को मारने में और रबर बनाने में करते हैं, या फिर पानी को साफ करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर इसकी भी अधिक मात्रा शरीर के अंदर घुस जाए तो जानलेवा साबित हो सकती है। इस गैस का हमला सीधे फेफड़ों पर होता है, जिससे व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, इस कारण उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, इनके अलावा कुछ ऐसे भी रासायनिक हथियार हैं जो काफी कम जहरीले होते हैं और इनका उपयोग रोज किया भी जाता रहता है, जैसे कि आंसू गैस के गोले। ये भी एक तरह के केमिकल कंपोनेंट ही है। इसका ज्यादातर इस्तेमाल पुलिस के द्वारा दंगे भड़का रही भीड़ को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ऐसा ही एक और है पेपर स्प्रे। यह भी हल्का केमिकल कंपोनेंट ही है। दोस्तों, इनमें से जितने भी केमिकल हथियार खतरनाक थे उन पर रोक लगाने के लिए CWC ने कई देशों से हथियार नष्ट करवाए हैं, जिनमें अल्बानिया, भारत, लीबिया, रूस और सीरिया शामिल है। इसके अनुसार पूरी दुनिया में जितने भी कुल 72,000 से ज्यादा रासायनिक हथियार उपलब्ध हैं उनमें से लगभग 96% मतलब 69,000 के आसपास जितने भी रासायनिक हथियार थे उनको नष्ट कर दिया गया है। ये CWC की एक रिपोर्ट में बताया गया है। लेकिन इसके बावजूद रूस पर कई बार आरोप लग चुके हैं कि इसने सीरिया लड़ाई में सीरिया को केमिकल हथियार दिए थे। इसके अलावा अपने विरोधियों को मरवाने के लिए भी रूसिया के प्रेसिडेंट पुतिन केमिकल वेपन्स का उपयोग करते कई बार देखे गए हैं। दोस्तों, जिस दूसरे प्रकार के हथियारों की हमने बात की थी वो है बायोलॉजिकल हथियार, मतलब जैविक हथियार। अगर जैविक हथियारों की बात करें तो वे रासायनिक हथियारों से काफी अलग होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक जब बैक्टीरिया, वायरस और फफूंद जैसे संक्रमणकारी तत्वों का इस्तेमाल जानबूझकर इंसानों को संक्रमित करने के लिए किया जाता है तो इसे जैविक हथियार कहते हैं। जैविक हथियार भी कम समय में बहुत बड़े क्षेत्र में तबाही मचा सकते हैं, और इन जैविक हथियारों का हमला करने के लिए किसी प्रकार के नई एडवांस टेक्नोलॉजी या किसी महंगे साधन की आवश्यकता भी नहीं होती है। इनके लिए छोटे मोटे जानवरों, पक्षियों, हवा, पानी, मनुष्य आदि किसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके उदाहरण देखने के लिए आपको इतिहास में जाने की जरूरत भी नहीं है। इसका सबसे जीता जागता एग्जाम्पल है चीन का कोरोना वायरस। चीन भले ही इससे कितना ही इनकार कर ले, लेकिन ये बात कई रिपोर्ट्स में साबित हो चुकी है कि ये चीन का बनाया हुआ एक बायोलॉजिकल हथियार है। इतिहास में देखें तो चूहों से होने वाली बीमारी फ्लेग जैविक हमले का दूसरा उदाहरण है। ऐसा माना जाता है कि जर्मनी, अमेरिका, रूस और चीन समेत दुनिया के 17 देश जैविक हथियार बना चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने इस बात को नहीं माना है कि उनके पास जैविक हथियार हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जर्मनी ने पहली बार जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया था। इस हमले के लिए जर्मनी एथ्रेंक्स और ग्लेंडर्स बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया था। इसके बाद 1939 से 1945 के दौरान विश्व युद्ध में जापान ने चीन के खिलाफ जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया था।
इनके अलावा भी काफी कई बार कई देशों ने जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया है। 1972 में BWC यानी बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन की स्थापना हुई और 26 मार्च 1975 को 22 देशों ने इसमें हस्ताक्षर किए। आज भारत सहित दुनिया के 183 देश इसके सदस्य हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद भी जो देश जैविक हथियार न बनाने की कसम खाते हैं, एक्चुअल में वही देश जैविक हथियारों के निर्माण में भी जुटे हुए हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी काफी पसंद आई होगी, और अगर हाँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।